इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भागलपुर में पुलिस और बालू माफियाओं में जमकर गोलीबारी। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। जब जगदीशपुर थाने को सूचना मिलती है कि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देखकर बालू माफिया पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान हालांकि किसी पुलिसकर्मी को गोली लगने की सूचना नहीं होती है, वहीं पर वरीय अधिकारी को पता चलता है तो आनन फानन में टीम की गठन की जाती है और बालू माफियाओं में से कुछ बालू माफियाओं को पुलिस हिरासत में लेती है और हथियार भी बरामद करती है। देखिए, बालू पर लगातार विवाद होते नजर आ रहा है, पुलिस छापेमारी करने जाती है और पुलिस पर ही बालू माफिया गोली बरसाने लगती है। क्या कुछ पूरा मामला देखिए इस खबर में। कल दिनांक 15/12/23 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत तहसूर नदी घाट पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए SHO जगदीशपुर बल के साथ वहाँ पहुँचे। अंधेरा था और इनके पास पर्याप्त बल नहीं था, उसका फ़ायदा उठा के 2-3 लोगों ने वहाँ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में 6-7 राउंड वहाँ पे हवाई फायरिंग की और तुरंत बल की मांग की गई। जब तक वहाँ बल पहुँचता तब तक वो लोग वहाँ से भागने में सफल रहे। उसके बाद तुरंत वरीय पदाधिकारी लोगों को सूचना दी गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। उस स्पेशल टीम का नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव कर रहे थे। रात में ही FIR किया गया, टोटल 21 लोगों पे नामजद FIR और 25 अज्ञात लोग हैं इसमें। FIR करने के उपरांत छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के उपरांत 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इनका नाम है नितेश कुमार, राजेश कुमार, दिवाकर यादव, अजीत यादव, बिट्टू कुमार और इनके पास से 2 अवैध कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया गया है। और टोटल जो घटना थी उसके 6-7 घंटे बाद ही ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ चल रही है कि इसमें और कौन लोग शामिल थे जो अज्ञात लोग थे, और जो बाकी नेम्ड अक्यूज हैं उनकी छापेमारी की जा रही है। इसमें जो टीम थी, स्पेशल जो टीम बनाई गई थी छापेमारी के लिए, इसमें सौम्य प्रियदर्शी सदर अंचल, थानाध्यक्ष जगदीशपुर रंजीत कुमार, पुवनी मुरलीधर शाह DIU, सुशील कुमार DIU से, सूरज कुमार थानाध्यक्ष सजौर, ये सभी रात भर रेड में लगे रहे और उन्होंने इन 5 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है और बाकियों के जो बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और खनन और बालू में जो अवैध धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ भागलपुर सख्त रूप से जल्द कार्रवाई करेगी। और वहाँ पे एक पिकेट भी, जो आपका ये घाट पड़ता है तहसूर नदी घाट और सैदपुर घाट, इन दोनों को कवर करने के लिए एक पिकेट भी बनाया जा रहा था, वो 1-2 हफ्ते से प्लान में था, वहाँ मेंटेनेंस चल रहा था और उसमें अब 1 हफ्ते में वो सुचारू हो जाएगा और वहाँ पर्याप्त मात्रा में बल रहेगा जो पूरा एरिया को डोमिनेट करेगा, वहाँ पैदल गश्ती करेगा और अवैध बालू खनन को रोकने में ये आगे जो हम लोग स्टेप उठा रहे हैं भागलपुर में ये एक अहम स्टेप रहेगा। सर, गिरफ्तार लोग कभी जेल गए हैं? 5 लोग आपराधिक, इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग पता कर रहे हैं। रात भर जो टीम ने रेड किया है तो अभी इसमें समय नहीं मिल पा रहा, अभी भी रेड चालू है। जो 21 नामजद लोग में से 5 लोग ही पकड़े गए हैं तो बाकी लोग की भी रेड चल रही है और जो जैसे जैसे लोग पकड़ते आएंगे इनका हम आपराधिक इतिहास पता करके आपको बता देंगे। सर, अपराधी ने क्या विरोध किया पुलिस का? जैसा कि मैंने बताया कि अंधेरा था और अवैध बालू खनन कर रहे थे, स्टार्ट ही कर रहे थे, ये लोग पहुंच गए और पुलिस को देख के उन्होंने कम बल देख के 2-3 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी 6-7 राउंड फायरिंग की हवा में और जब तक हम लोग का पर्याप्त मात्रा में बल पहुंचता तब तक वो लोग वहाँ से भागने में सफल रहे।